हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज़ कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कल कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, हम लीडरशिप थ्योरीज का टॉपिक के बारे में कल पढ़ा था, आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसकी तीन थ्योरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारी कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, इसमें आगे दी है फाइडलर्स कॉन्टीजेंसी मॉडल। जो फाइडलर ने दिया है, द थ्योरी दैट इफेक्टिव ग्रुप डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर मैच बिटवीन लीडर्स स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद सबॉर्डिनेट्स एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस टू द लीडर। इसमें क्या है कि इफेक्टिव ग्रुप, अगर हम चाहते हैं कि एक इफेक्टिव ग्रुप हो हमारा, तो उसका प्रॉपर मैच होना चाहिए लीडरशिप स्टाइल और सबॉर्डिनेट्स की जो सिचुएशंस हैं उसमें किस तरह का इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसके स्टाइल और सिचुएशन का किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने मेन तीन एलिमेंट्स इसमें लिए थे, लीडरशिप स्टाइल, सिचुएशनल वेरिएबल और इंटर रिलेशनशिप। पहले देखते हैं आइडेंटिफाइंग स्टाइल। अ फाइडलर बिलीव्स अ की फैक्टर इन लीडरशिप सक्सेस इज द इंडिविजुअल्स बेसिक लीडरशिप स्टाइल, सो ही क्रिएटेड द लीस्ट प्रेफर कोवर्कर पोशन। फाइडलर क्या बिलीव करते थे कि जो फैक्टर है लीडरशिप सक्सेस के, उसमें बेसिक लीडरशिप स्टाइल कौन सा है। इसके लिए उसने एक एलपीसी तैयार क्वेश्चनर तैयार किया था। एलपीसी क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स टू मेजर वेदर अ पर्सन इज टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इसमें हम क्या देखते थे, जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है और या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन वेरिएबल। तो देर में मे बी मैनी सिचुएशनल फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस। फाइडलर हैज़ आइडेंटिफाइड थ्री क्रिटिकल डिमेंशन ऑफ सिचुएशनल विच अफेक्ट अ लीडर्स मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दीज आर लीडर पोजिशन पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन। इसमें सिचुएशन वेरिएबल में क्या उन्होंने तीन क्लियर डिमेंशंस ली थी, इफेक्टिव उनका पोजीशन पावर क्या है, टास्क स्ट्रक्चर क्या है और मेंबर रिलेशन कैसे हैं। जी, उन्होंने मेन तीन डिमेंशंस ली थी। लीडर जो पोजीशन पावर, दिस इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री टू विच अ लीडर डिराइव्स पावर फ्रॉम द पोजीशन हेल्ड बाय हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स हिम टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यहाँ पर क्या था, उन्होंने डिटरमाइन किया था कि लीडर है जो, उनकी पावर ड्राइव होती है पोजीशन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्ड है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है जो हमारी डेजिग्नेशन और पावर होती है उसका मेंबर्स पर, एक सबॉर्डिनेट्स पर एक इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा टास्क स्ट्रक्चर। रेफर्स टू द डिग्री टू विच द टास्क रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टास्क ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड रिलेशनशिप विद अदर टास्क। When the tasks are clear, the quality of performance can be more easily controlled and group member can be held responsible for performance than tasks are unclear. यहाँ पर एक टास्क स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, हम टास्क को क्लियरली डिफाइन करते हैं क्या टास्क के ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोसेस हैं, रिलेशनशिप कैसे रहेंगी। अगर टास्क हमारा अच्छे से क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव हमें पता होंगे, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स को बता सकते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लीडर मेंबर रिलेशंस, इट रेफर्स द डिग्री टू विच द फॉलोअर्स हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन द लीडर। यहाँ पर क्या एक डिग्री है कि उनको कितना अपने लीडर पर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल्स एंड सिचुएशन। फाइडलर्स फील दैट इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पर वो चेक करते हैं कि लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है, उन दोनों में आपस में रिलेशनशिप कैसा है। लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन, जो हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं, सबसे पहला है डायरेक्टिव, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेटिस्फैक्शन, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स बढ़ जाती हैं, बट टास्क है जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सपोर्टिव, पॉजिटिव इफेक्ट होता है सबॉर्डिनेट सेटिस्फैक्शन पर, वर्किंग डिससेटिस्फाइंग और स्ट्रेसफुल रहती है। पार्टिसिपेटिव, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेटिस्फैक्शन और सबॉर्डिनेट्स हु आर ईगो इन्वॉल्व इन द नॉन रेपिटेटिव टास्क, पर उनके टास्क हैं जो उनकी ईगो इन्वॉल्व हो जाती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस दैट द एफर्ट्स विल लीड टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस रहती है। सबॉर्डिनेट्स एक अच्छे एम्बिजियस नॉन रेपिटेटिव टास्क भी परफॉर्म करते हैं, ये हमारी एक बेस्ट उनकी रिलेशनशिप पर रहती है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कॉन्टीजेंसी का हर्से ब्लैंचर्स सिचुएशन मॉडल। हर्से एंड ब्लैंचर्स फील दैट लीडर हैज़ टू मैच हिज लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मेच्योरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स विच मूव्स इन स्टेज हैज अ साइकिल। इसमें क्या है, उन्होंने एक देखा था कि लीडरशिप जो हमारा स्टाइल है
उसका लीडरशिप स्टाइल का एक मैच होना चाहिए, मेच्योरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स और लीडरशिप स्टाइल का आपस में क्या मैच है, क्या रिलेशनशिप है। इसे हम लाइफ साइकिल थ्योरी भी कहते हैं। टू मेन वेरिएबल्स हैं लीडरशिप स्टाइल और मेच्योरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। हम देखेंगे आगे लीडरशिप स्टाइल क्या है। क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज ऑन बेसिड ऑफ टू कॉन्सेंट्रेशन। लीडरशिप स्टाइल है जो टू कॉन्सेंट्रेशन पर फोर कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। टू कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन सी है, रिलेशनशिप बिहेवियर और टास्क बिहेवियर। रिलेशनशिप बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द सोशो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द लीडर। इसमें हम क्या देखते हैं कि लीडर हैं जो कैसे सोशो इमोशनल एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। टास्क बिहेवियर इज सीन इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लीडर। इसमें हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन कितनी प्रोवाइड की गई है। इसमें चार कॉम्बिनेशन है, हाई रिलेशनशिप लो टास्क, हाई रिलेशनशिप हाई टास्क, लो रिलेशनशिप हाई टास्क, लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क। जे उनके ये चार कॉम्बिनेशन उनके हैं जो बन जाते हैं। दीज फोर कॉम्बिनेशंस आर बेस्ड ऑन टू कॉन्सेंट्रेशन। आगे था हमारा सबॉर्डिनेट्स मैच्योरिटी जो उनका सेकंड कॉन्सेंट्रेशन था। मैच्योरिटी इन दिस मॉडल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द पीपल फॉर डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर एंड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इन द अकॉर्डेंस विद द इमेच्योरिटी एंड मेच्योरिटी थ्योरी ऑफ आर्चरीज। जो सबॉर्डिनेट्स की मेच्योरिटी इस मॉडल में दी गई है वो उनकी एबिलिटी और विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। इसकी हम कोई स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा नहीं कह सकते मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी का। एबिलिटी रेफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू द जॉब इज कॉल्ड जॉब मेच्योरिटी। एबिलिटी यहाँ पर हम जॉब मेच्योरिटी लेंगे जो हम कहेंगे कि नॉलेज एंड स्किल होते हैं जिस पर कोई काम करता है। Willingness refers to the psychological maturity and has much to do with confidence and commitment of the individual. यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कितने willful होकर कोई काम करते हैं। When both components of maturity and ability, maturity ability, willingness are combined, we get four combination. यहाँ पर जब इन दो को combination मिल जाते हैं तो हमें चार combination और मिल जाते हैं। Low ability, low willingness, low maturity. लो एबिलिटी हाई विलिंगनेस, लो टू मॉडरेट मेच्योरिटी, हाई एबिलिटी लो विलिंगनेस, मॉडरेट टू हाई, हाई एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस हाई मेच्योरिटी। यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल जाएगा। कंबाइनिंग, अब पीछे जो हमें चार कॉम्बिनेशन मिले थे, अब जहाँ पर चार कॉम्बिनेशन मिल गए हैं, द लीडरशिप स्टाइल विच इज़ अप्रोप्रिएट एट अ गिवन लेवल ऑफ मेच्योरिटी वी मे अराइव एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू। यहाँ पर हमें एक मिला टास्क बिहेवियर हाई मेच्योरिटी और लो। यहाँ पर हमें जो वहाँ पर टास्क रेट मिला था, डेलीगेटिंग पार्टिसिपेटिंग सेलिंग और टेलिंग। यहाँ पर हम इसको हर्षल ब्लैंचर से चार सिचुएशन में डिफाइन किया है। फोर लीडरशिप स्टाइल फॉर ईच स्पेसिफिक लेवल ऑफ मेच्योरिटी। अलग अलग लेवल पर हमें एक अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा। टेलिंग, फर्स्ट हमें मिला टेलिंग। व्हेन द सबॉर्डिनेट्स हैव लो मेच्योरिटी दैट इज नाइदर दे हैव एबिलिटी नॉर दे आर विलिंग टू डू। जो उनके पास मेच्योरिटी भी नहीं और काम करना भी नहीं चाहते, दे रिक्वायर टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। इट इम्फेसिस डायरेक्टिव बिहेवियर एंड इन्वॉल्व हाई टास्क बिहेवियर एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर। यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, उनको बताकर काम करवाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ना विलिंगनेस है और ना ही मेच्योरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग, फॉर सबॉर्डिनेट्स ऑफ मॉडरेट मेच्योरिटी हु हैव हाई विलिंगनेस बट लैक ऑफ एबिलिटी सेलिंग लीडरशिप स्टाइल इज अप्रोप्रिएट। द सबॉर्डिनेट्स रिक्वायर विद बोथ सपोर्टिव एंड डायरेक्टिव बिहेवियर विच इज मार्क्ड बाय हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप बिहेवियर। यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट मेच्योरिटी होगी, यहाँ पर हाई विलिंगनेस होगी बट एबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पर सेलिंग लीडरशिप होगी। यहाँ पर उनको हम सपोर्ट करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे ताकि हमें टास्क और हाई रिलेशनशिप मिल सके। पार्टिसिपेटिंग सबॉर्डिनेट्स विद मॉडरेट टू हाई मेच्योरिटी होगी, वो हैव एबिलिटी टू डू बट लैक विलिंगनेस कम है, तो हमें उनको एक्सटर्नली मोटिवेट करना होगा। इन सच अ सिचुएशन पार्टिसिपेटिंग लीडर्स शिप विद लो टास्क बिहेवियर एंड हाई रिलेशनशिप बिहेवियर इज मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पर लो टास्क बिहेवियर होगा और हाई रिलेशनशिप बिहेवियर है जो मोर अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारा पास है डेलीगेटिंग, सबॉर्डिनेट्स विद हाई मॉडरेट टू हाई मेच्योरिटी हु हैव एबिलिटी टू डू बट लैक विलिंगनेस रिक्वायर एनी लीडरशिप सपोर्ट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल इन सच अ सिचुएशन इज डेलीगेटिंग विच इन्वॉल्व्स लो टास्क बिहेवियर लो रिलेशनशिप बिहेवियर। ये हमारा एक बेस्ट रहेगा, जहाँ पर हाई मेच्योरिटी होगी, एबिलिटी और विलिंगनेस, एबिलिटी ज़्यादा होगी पर विलिंगनेस कम होगी, लीडरशिप की सपोर्ट भी होगी, अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल होगा। यहाँ पर हमारा डेलीगेटिंग
यहाँ पर लो टास्क बिहेवियर एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर होगा। ये नेक्स्ट हमारा मॉडल है पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप, रॉबर्ट हाउस एंड अदर्स। रॉबर्ट हाउस ने ये मॉडल दिया था, हैव डिवेल्प्ड अ पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप इनिशियली प्रेजेंटेड बाय इवान। इसको प्रेजेंट इवान ने किया था। पाथ गोल मॉडल ऑफ लीडरशिप इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशन लीडरशिप एंड ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमने पिछली वीडियोस में की थी और सिचुएशन लीडरशिप का मॉडल का कॉम्बिनेशन है। पाथ गोल मॉडल अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट लीडरशिप इफेक्टिव इन डिफरेंट सिचुएशन। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो प्रेडिक्ट करते हैं इफेक्टिवनेस को डिफरेंट सिचुएशंस में, कैसे ये कि उन्होंने प्रोसेस दी है 7 स्टेप्स हैं इसके। लीडर आइडेंटिफाई सबॉर्डिनेट्स की नीड्स को देखता है, एप्रोप्रिएट गोल्स इस्टेब्लिश करता है, लीडर कनेक्ट्स रिवार्ड्स विद गोल और गोल और रिवार्ड को कनेक्ट करता है, लीडर प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन इम्प्लॉय पाथ टुवार्ड्स गोल। एक पाथ प्रोवाइड करवाता है, असिस्टेंस देता है, इम्प्लॉय बिकम सेटिस्फाइड एंड एक्सेप्ट द लीडर। इम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाते हैं और लीडर को एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, परफॉर्मेंस इफेक्टिव होती है, बोथ इम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर एबल टू रीच द गोल। गोल पहुँचने पर वो दोनों ही अच्छे रहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन हेल्प द एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स। द थ्योरी प्रपोजेज दैट देर इज़ नथिंग लाइक द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएट इन ऑल सिचुएशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन और स्टाइल अलग अलग होते हैं गोल अचीव करने हैं, तो कोई भी स्टाइल है जो बेस्ट नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है किसी सिचुएशन में कैसा स्टाइल एबल हो जाता है किसी सिचुएशन में कैसे। ए लीडरशिप एबल, अ लीडर हु इज एबल टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ द टास्क सेट क्लियर पाथ इज। एक लीडर जो अनसर्टेनिटी रिड्यूस करे और पाथ को क्लियर करे, एक ऐसा लीडर कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फाइंग। ऐसे लीडर को हम सेटिस्फाइड करते हैं कहते हैं, बिकॉज ही इंक्रीजेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स दैट देयर एफर्ट्स विल लीड टू डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर सबॉर्डिनेट के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा हो जाता है और उसके एफर्ट्स हैं जो डायरेक्टेड और डिजायर्ड वो उनको मिल जाते हैं। लास्ट थ्योरी हमारी है ग्रेट मैन थ्योरी। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इसमें हम ये मानते हैं कि लीडर्स बनते पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। दिस अप्रोच एम्फेसाइज दैट अ पर्सन इज बोर्न विद और विदाउट द नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर हम किसी को वो ट्रेट्स सिखा नहीं सकते, बल्कि वो बाय बर्थ हमारे में होती हैं। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ लीडर। वो कौन कौन सी ट्रेट हैं ग्रेट मैन? ऊपर वाली वो हमारी जो हमने बताई थी वो ट्रेट्स उनमें होती हैं। ग्रेट मैन थ्योरीज, गांधी, लिंकन एंड नेपोलियन ने ये थ्योरी दी थी। बिलीव दैट पीपल आर बोर्न विद दीज ट्रेट्स, ओनली ग्रेट पीपल पोजेस्ड देम। ओनली ग्रेट पीपल्स हैं वो उनमें, जे थ्योरी उनमें होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ लीडरशिप थ्योरी। आज हमारा लीडरशिप टॉपिक है जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।